वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है और लगातार आपको वीडियो दी जा रही है। दोस्तों जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उसमें 25 प्रश्न जो हैं वो विज्ञान के आने वाले हैं, और दोस्तों इसीलिए आज से हम आपको विज्ञान का भी वीडियो देना शुरू कर रहे हैं। आज हमारा विज्ञान का पहला वीडियो है। इस वीडियो का दोस्तों जो पीडीएफ फाइल है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों दिया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि इनमें से किसी कारण जो वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो हमें क्या बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, ये हमें बताना है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जो प्रथम जीव की उत्पत्ति मानी जाती है तो वो हुई थी जल में, तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी जल में, यानी कि जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं ये सब हमारे प्रथम जीव के रूप में माने जाते हैं, और उनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, जल में हुई है। तीसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह किसका कथन है, यानी कि इस कथन का सत्यापन किसने किया, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन है ओपेरिन का, तो ऑप्शन नंबर डी ओपेरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है लुई पाश्चर, तो इन्हें पाश्चरीकरण का जनक माना जाता है, और लुई पाश्चर से एक प्रश्न हमेशा बनता है कि रेबीज का टीका है वो उसका दोस्तों खोज किसने किया था, तो जो रेबीज का टीका होता है उसका खोज भी लुई पाश्चर ने ही किया था, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, ये कॉफ़ी लिखा हुआ है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो जो पौधे का बीज होता है वहाँ से कॉफ़ी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पौधे के जो बीज होता है वहाँ से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन किस में कौन से पौधे में पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, और तंबाकू से एक प्रश्न बनता है कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है, तो भारत में तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है, छठा प्रश्न है कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों ड्रोसरा नाम का एक पौधा है जो कीटभक्षी माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ड्रोसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस छठे प्रश्न का। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1962 में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ्रांस वॉटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, आठवां प्रश्न है आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो आनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं वो है मेंडल, ऑप्शन नंबर डी मेंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर ने, डॉक्टर जेनर ने सबसे पहले चेचक का जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया था। बात करें लुई पाश्चर की, तो मैंने अभी आपको बताया कि लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का खोज की थी, तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका और डॉक्टर जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो दोनों आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो टीबी है जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में अभी जो श्रीलंका है उसे किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो हाल ही में श्रीलंका को मलेरिया से एकदम मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये भी प्रश्न करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है, 12वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1 to 30 ppm DDT, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिर काटिन कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिर काटिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नीम से प्राप्त होता है, यह प्राकृतिक कीटनाशक माना जाता है और हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नीम के पेड़ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हुआ है कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है, तो एंटीबायोटिक एक दवाइयाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक क्या होती है, दवाई होती है। और जो पेनिसिलिन है वो बहुत एंटीबायोटिक मानी जाती है, और पेनिसिलिन की जो खोज यानी कि एंटीबायोटिक की जो खोज करता माना जाता है फ्लेमिंग को। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग को पेनिसिलिन का खोज करता माना जाता है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है यानी कि निम्नलिखित दूध को जो दही बनाने का जो प्रमुख कारक होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में क्या किस रूप में जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को किस रूप में जाना जाता है। तो H1N1 जो है इसका नाम, इसे स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में एक चीन में फ्लू फैला है जिसका नाम कोरोना वायरस है। इसका आधिकारिक नाम क्या रखा गया है WHO द्वारा, ये प्रश्न बन सकता है। तो जो कोरोना वायरस का आधिकारिक जो नाम रखा गया है WHO द्वारा, वो रखा गया है कोविड-19। कोविड-19, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसका क्या नाम रखा गया है, कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रडार का आविष्कार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रडार का आविष्कार कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जो रडार के आविष्कारक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वॉटसन। अब बात करें रडार की, तो रडार की फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, तो इससे क्या होता है, इसका सेना प्रयोग जो वायुसेना द्वारा किया जाता है किसी चीज़ की रेंजिंग यानी किसी चीज़ को ढूंढने के लिए। बात करें फ्लेमिंग की, तो मैंने अभी आपको बताया फ्लेमिंग को पेनिसिलिन का खोजकर्ता माना जाता है, और रडार के खोज करता आविष्कार कौन है, रॉबर्ट वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यकृत यानी कि जो लीवर होता है यह इससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होता है विटामिन B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब बात करें दोस्तों, एक प्रश्न बनता है कि इन सभी विटामिन्स के जो रासायनिक नाम होते हैं वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो विटामिन B12 की रासायनिक नाम की बात करें, तो B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B2 के रासायनिक नाम की बात करें, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरीडॉक्सिन। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो इन सब के आपको रासायनिक नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में रासायनिक नाम जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रक्तदाब का मापक यंत्र है। तो रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब नापा जाता है। बात करें हृदय गति की, तो हृदय गति किससे मापा जाता है, कार्डियोग्राम से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु का वेग नापा जाता है। और अमीटर से क्या नापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का प्रयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। 22वां प्रश्न हमारा है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। 22वां प्रश्न है, लोलक की जो कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, तो लोलक की लंबाई पर यानी कि लोलक का जो लंबाई होता है उस पर लोलक की कालावधि निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, हमेशा नॉर्थ की तरफ संकेत करती है। 24वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। 24वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। हमारा 25वां प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती हैं।
तो महासागर में ऊंची जल तरंगे जैसे कि जो ज्वार और भाटा होती हैं वह चंद्रमा के कारण उठती हैं, यानी कि जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नदियों और समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। ज्वार भाटा जो होता है वह चंद्रमा के कारण होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जाता है कैसे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 27वां हमारा प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है? तो प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनको जो अलग करने का तरीका क्या होता है, एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि हम जब प्रिज्म में से देखते हैं तो हमें प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, प्रिज्म में से जो रंगों का अलग अलग होता है उनसे हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28वां हमारा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब सूर्य, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य और सूर्य की जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है, तो हमें सूर्य का वो भाग नहीं दिखाई देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 28वां प्रश्न क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा बीच में होता है। तो आप देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है और ये हमारा मून है, तो जब चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आता है तो हमारा चंद्र ग्रहण लगता है। बात करें सूर्य ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण की, तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के समय बीच में चंद्रमा आता है, तो हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा दिन कब होता है, 29वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 23 दिसंबर का दिन सबसे छोटा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है कैसे, सोने को घोला जाता है कैसे? तो सही आंसर क्या होगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चूहा मारने में किस जहर रासायनिक, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो जो चूहा मारने का जो जहर है वह पोटेशियम साइनाइड से बनता है, पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, 32वां प्रश्न है, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत